रोटी पे कब्जा कर लो इनकी, रोटी जिसके हाथ में वही बताएगा कि कब कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, एक लगवाना है कि दो लगवाना है कि तीन लगवाना है, हर 6 महीने में लगवाना है कि हर 4 महीने में लगवाना है कि हर 3 महीने में, कौन बताएगा? जो रोटी दे रहा है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आपका गेट कीपर बताएगा, सर्टिफिकेट दिखाए बिना नहीं जा सकते, नहीं, गेट कीपर मालिक है। आपने करोड़ों रुपए का फ्लैट लिया है, आपका कुछ नहीं है, वो बताएगा कि मुंह ढको, खुली हवा में सांस नहीं लेना, क्योंकि उससे तुम स्वस्थ रहोगे खुली हवा में सांस लेना। इसलिए वो कह रहा है तुम दम घोटो अपना, तुम्हें मरना है, तुम हो इसी लायक, तुम इतने हराम खोर हो, तुम अपने ही भाई बहनों को खुद रगड़ रहे हो, तुम इसी लायक हो, तुम अपना मुंह ढके रखो, बोलो नहीं, क्योंकि उससे दिखता है कि गुलाम है। आपको मालूम नहीं है क्या सबसे पहला मास्क कब लगा होगा? मालूम है कभी किसी ने हिस्ट्री पता करी मास्क की हिस्ट्री? जब अमेरिका के अंदर गुलामी का शासन हुआ करता था तो पहली बार लकड़ी और लोहे के मास्क लगाए गए थे गुलामों को, उन गुलामों को जो रसोई में काम करते थे, और मास्क लगाकर पीछे ताला लगाया जाता था कि कहीं वो बादाम वगैरह ना खा लें किचन में। समझे? दूसरी बार जो दूसरा पर्पज था मास्क लगाने का, कई बार सड़क पे चलते हुए कोई गुलाम प्रजाति का व्यक्ति गोरा हो जाता था पैदा, तो पता नहीं चलता था कि वो बाप बेटा समझ लेते थे उनको, तो साफ ये कंफर्म हो जाए कि गुलाम कौन सा है, उसका मुंह ढक करके सड़क पे चलाया जाता था, तो दूर से पता चल जाता था कि ये मालिक है और ये गुलाम है। अभी भी आपने इस दौर में देखा होगा ना, डीएसपी नहीं लगा रहा है, सामने खड़ा इंस्पेक्टर लगा रहा है, थाने में आने के बाद इंस्पेक्टर नहीं लगा रहा है, सब इंस्पेक्टर लगा रहा है, फिर सब इंस्पेक्टर नहीं लगा रहा है, हवलदार लगा रहा है, हवलदार नहीं लगा रहा है, सिपाही लगा रहा है, और फिर सिपाही नहीं लगा रहा है, जनता लगा रही है। ये होता था ना, गौर नहीं किया आपने शायद, लेकिन यही हो रहा था। ऊपर वाला नहीं लगा रहा था, नीचे वाला लगा रहा था, नीचे वाला जब ऊपर वाला जब अपने ऊपर वाले के पास जाता था तो जाने से पहले लगाना पड़ता था। इसीलिए जब ऊपर वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं लगाता था किसी रैली में, लेकिन जब ऊपर वाले सबका मालिक एक वाला जो मालिक था ना, जब उसको दिखाना होता था तो लगा के आता था टीवी पर। नहीं, नहीं, आप रिलेवेंस नहीं देख पाए ना कभी, उसको उस एंगल से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको हिस्ट्री नहीं पता थी। अभी आप रुपए के साथ जो हो रहा है ना, इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपको हिस्ट्री नहीं पता है। अगर आपको हिस्ट्री पता होती और हिस्ट्री कैसे चली, कहां तक पहुंची, तो आपको सारा पता होता कि नियम क्या है, कानून क्या है, और नियम और कानून में फर्क होता है। कानून वाले भाषा समझते हैं, नियम चलाने के लिए हम लोग बनाते हैं, और कानून प्राकृतिक न्याय होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। नेचुरल जस्टिस किसी सरकार की बपौती नहीं है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो प्रकृति के हिसाब से चलता है, क्योंकि मुझे जो खाना मिलता है वो मुझे जो ऊर्जा मिलती है वो खाने से मिलती है, और खाना मुझे पेड़ पौधे देते हैं, और पेड़ पौधों को ऊर्जा सूरज से मिलती है, तो मेरे को चलने के लिए मेरी एक एक कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, वो सूरज चलाता है मुझे, तो प्रकृति की दी हुई चीजों से मैं चलता हूं। कोई आदमी मुझे गुलाम बना ले ऐसा कैसे हो सकता है, आजाद हूं मैं प्रकृति के अंदर। तो कोई आदमी नियम से, उस नियम से जिसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो चला सकता है। मैं खुद तैयार, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। और उसके दो बड़े एग्जांपल मैं आपके सामने बता देता हूं। किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने 3 कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कमेटी बनाते हैं, जो कमेटी निर्णय लेगी वो होगा। किसानों ने कहा नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को बोला था ना हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये नियम हमारे लिए बनाया ना, हमको नहीं चाहिए, बैठे 13 महीने लगे, लेकिन ये साबित हुआ कि हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। समझे ना बात, ये उस समझ थी उनको, उनको पता था नियम केवल उसी को चला सकता है जो नियम को मानने के लिए तैयार है। आप नहीं तैयार हैं तो आप मत मानिए ना, यू आर फ्री, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, आप किसी भी नियम को आप अकेले मना कर सकते हैं, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज आपका, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा राज मेरे ऊपर रहेगा।